नमस्कार, अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की नवीनतम घटनाओं से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अध्ययन आईएएस। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूपी पुलिस एग्जामिनेशन 2024 से जुड़े सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के मुख्य तत्व क्या हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, बी राष्ट्रमंडल खेल संघ, सी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आयोजन समितियां, डी उपरोक्त सभी। और हमारा उत्तर है डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन तीन तत्वों से बना है। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल संघ और राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समितियां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए पियरे डी कुपर्टिन, बी डेमोट्रियोस विकेलस, सी वुड्रो विल्सन या डी विंस्टन चर्चिल। हमारा उत्तर है बी डेमेट्रियोस विकेलस। डेमेट्रियोस विकेलस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। 1890 में वेनलॉक ओलंपियन सोसाइटी के ओलंपियन खेलों में भाग लेने के बाद बैरन पियरे डी कुपर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। कुपर्टिन ने हर चार साल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमने वाले ओलंपिक खेलों की स्थापना के उद्देश्य से ब्रुक्स और जप्पा के विचारों और कार्यों पर निर्माण किया। उन्होंने ये विचार नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ओलंपिक कांग्रेस के दौरान प्रस्तुत किए। यह बैठक 16 से 23 जून 1894 तक पेरिस विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। कांग्रेस के अंतिम दिन यह निर्णय लिया गया कि आईओसी के तत्वाधान में होने वाले पहले ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में होंगे। आईओसी ने ग्रीक लेखक डेमोट्रियस विकेलस को अपना पहला अध्यक्ष चुना। किस ओलंपिक खेल को शताब्दी ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है? ए 1984 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस, बी 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सियोल, सी 1992 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बार्सिलोना या डी 1996 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अटलांटा। और हमारा उत्तर है डी 1996 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अटलांटा। 1996 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अटलांटा को शताब्दी ओलंपिक खेल के रूप में भी जाना जाता है। 1996 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को सेंटेनियल ओलंपिक खेलों के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम था जो 19 जुलाई से 4 अगस्त 1996 तक अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित किया गया था। किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड या डी चीन। और हमारा उत्तर है सी थाईलैंड। थाईलैंड ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की। थाईलैंड ने 1966, 1970, 1978 और 1998 में 4 एशियाई खेलों की मेजबानी की। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सुविधा शुरू की? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी पंजाब नेशनल बैंक। और हमारा उत्तर है बी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की एक नई सुविधा शुरू की। बैंक के बोर्ड ने उस योजना को मंजूरी दे दी जिसके तहत उसके कर्मचारी मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके घर से काम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द है जिसमें आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है लेकिन मजदूरी और कीमतें बढ़ रही हैं? ए मुद्रास्फीति, बी अपस्फीति, सी स्क्वैगफ्लेशन या डी स्टैगफ्लेशन। और हमारा उत्तर है डी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का तात्पर्य उच्च बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में स्थिर मांग या विकास के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति से है। उच्च मुद्रास्फीति प्लस निम्न आर्थिक विकास प्लस निम्न रोजगार सृजन कुल मिलाके मुद्रास्फीति जनित मंदी।
भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्रों के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है। DICGC का पूर्ण रूप क्या है? ए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कंपनी, बी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, सी प्रत्यक्ष बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम या डी प्रत्यक्ष बीमा और क्रेडिट गारंटी कंपनी। और हमारा उत्तर है बी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत जमा का बीमा और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। दूसरा, लिक्विड फंड इक्विटी फंड है। तीसरा, लिक्विड फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही चुने ए केवल पहला, बी केवल पहला और दूसरा, सी केवल दूसरा और तीसरा या डी पहला दूसरा और तीसरा। हमारा उत्तर है ए केवल पहला। दूसरा कथन गलत है क्योंकि लिक्विड फंड डेट फंड है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह RBI द्वारा विनियमित है, सेबी द्वारा नहीं। लिक्विड फंड ओपन एंडेड योजनाएं हैं जो केवल 91 दिनों तक की अधिकतम परिपक्वता के साथ ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करती हैं। इसलिए लिक्विड फंड की औसत परिपक्वता 91 दिनों के बराबर या उससे कम होती है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना सभी राज्यों के लिए वैकल्पिक है। दूसरा, इस योजना का लक्ष्य राज्य द्वारा जारी बॉन्ड की मदद से बिजली वितरण कंपनियों के ऋण का वित्तीय पुनर्गठन करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों और डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। हमारा उत्तर है सी पहला और दूसरा दोनों। दोनों कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य द्वारा जारी बॉन्ड की मदद से बिजली वितरण कंपनियों के ऋण का वित्तीय पुनर्गठन करना है। यह योजना सभी राज्यों के लिए वैकल्पिक है। योजना के अनुसार राज्यों को 30 सितंबर 2015 तक 2 वर्षों में डिस्कॉम ऋण का 75% हिस्सा लेना होगा। डिस्कॉम ऋण का 50% 2015-16 में और 25% 2016-17 में लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुक गर्दन में पाई जाती है? ए सर्वाइकल, बी थोरेसिक, सी लंबर या डी कोई नहीं। हमारा उत्तर है ए सर्वाइकल। ग्रीवा कशेरुक गर्दन में पाए जाते हैं। रीढ़ की ग्रीवा कशेरुका 7 हड्डी के छल्ले से बनी होती है जो खोपड़ी के आधार पर धड़ में वक्षीय कशेरुकाओं के बीच गर्दन में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा चरित्र नहीं है? ए रंग अंधापन, बी गंजापन, सी अस्थमा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा उत्तर है सी अस्थमा। अस्थमा लिंग से जुड़ा हुआ लक्षण नहीं है, जबकि वर्णांधता और गंजापन लिंग से जुड़ा हुआ है। रंग अंधापन में आमतौर पर लाल और हरे रंग के रंगों के बीच अंतर करने में असमर्थता शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम DNA टेम्पलेट द्वारा निर्धारित अनुक्रम में बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्राइमर में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए हेलिकेज, बी प्राइमेज, सी पॉलीमरेज या डी डायस्टेज। हमारा उत्तर है सी पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम DNA टेम्पलेट द्वारा निर्धारित अनुक्रम में बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्राइमर में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पॉलीमर या न्यूक्लिक एसिड की लंबी श्रृंखलाओं को संश्लेषित करता है। एनेस्थीसिया, जो रोगियों को बिना किसी परेशानी और दर्द के सर्जरी करने में अनुमति देता है,
जिसका अभ्यास मनुष्य प्राचीन काल से करता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एनेस्थीसिया तैयारियों का सबसे प्राचीन स्रोत है? ए ओपियम खसखस, बी कैनबिस, सी धतूरा या डी कोका। एनेस्थीसिया रोगियों को बिना किसी परेशानी और दर्द के सर्जरी करने की अनुमति देता है। इसका अभ्यास मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। अफीम या खसखस बेहोशी की दवा का सबसे प्राचीन स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? ए नियासिन, बी पाइरिडॉक्सिन, सी कोबालामाइन या डी थायमिन। हमारा उत्तर है सी कोबालामाइन। कोबालामाइन विटामिन B12 को इंगित करता है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है और आपके लाल रक्त कोशिकाओं और DNA के उत्पादन के साथ साथ हमारे तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की? ए तेलंगाना, बी केरल, सी ओडिशा या डी पश्चिम बंगाल। हमारा आंसर है बी केरल। केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करने या निवारण प्राप्त करने की सुविधा शुरू की। इस सुविधा के तहत शिकायत संदेश पर 10 मिनट में ध्यान दिया जाएगा और शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है। किस भारतीय राज्य ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। हमारा उत्तर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारी नौकरियों में राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पर सहमति व्यक्त की। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। पढ़ो प्रदेश योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी? ए शिक्षा मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, सी युवा मामले और खेल मंत्रालय या डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हमारा उत्तर है बी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय MoMA ने पढ़ो प्रदेश योजना को अब बंद कर दिया है। योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्र विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए अपने ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र थे। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की थी? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी ओडिशा। हमारा उत्तर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रदान करने के लिए लाडली बहन योजना शुरू की थी। प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति के अनुसार भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय IDMO का गठन किस मंत्रालय के तहत किया जाएगा? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय। हमारा उत्तर है ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2023 में घोषणा की गई थी कि स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति लाई जाएगी। यह IT मंत्रालय के तहत एक भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय के गठन की मांग करता है। नया नीति सुधार यह है कि अज्ञात डेटा सेट को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए भारत डेटा सेट कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा। किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारिणी जारी की? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग या डी विश्व बैंक। हमारा उत्तर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने
भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं 2021-22 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया था। यह प्रकाशन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करता है। यह देनदारियों और संपत्तियों की इकाईवार जानकारी प्रस्तुत करता है। आय और व्यय, वित्तीय अनुपात, कर्मचारियों की संख्या और अन्य सूचनाओं के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का विवरण देता है। कौन सी संस्था भारत में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIB घोषित करती है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग या डी सुप्रीम कोर्ट। हमारा उत्तर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को सूचीबद्ध करता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। हालिया सूची में RBI ने शीर्ष 3 भारतीय ऋणदाताओं भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में सूचीबद्ध किया है। किस संस्था ने 6 फिनटेक संस्थाओं को नियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत अपने उत्पादों का परीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है? ए नीति आयोग, बी RBI, सी SEBI या डी NSE। हमारा उत्तर है बी RBI। RBI की नियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत चौथे समूह के हिस्से के रूप में 6 संस्थाओं को वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए अपने फिनटेक उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस नामक रिले मैराथन शुरू की? ए एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, बी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस या डी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। हमारा उत्तर है ए एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने 3 सप्ताह लंबी अंगदान पहल शुरू की। पहल के एक हिस्से के रूप में अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में लगभग 5,500 किलोमीटर की यात्रा के लिए जिंदगी एक्सप्रेस नामक एक रिले मैराथन का आयोजन किया गया। संजीव चड्ढा किस बैंक के प्रबंध निदेशक, MD और CEO हैं? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी कैनरा बैंक या डी पंजाब नेशनल बैंक। हमारा उत्तर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक MD और CEO संजीव चड्ढा का कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया था। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास MPEX 2023 की मेजबानी की? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम या डी जम्मू और कश्मीर। हमारा उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास MPEX 2023 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के उभयचर जहाजों 900 सैनिकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें भारतीय सेना के विशेष बल तोपखाने और बख्तरबंद वाहन और जगुआर लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना के C-130 विमान शामिल थे। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS किस देश द्वारा निर्मित है? ए फ्रांस, बी इजराइल, सी USA या डी रूस। हमारा उत्तर है सी USA। अमेरिकी विदेश विभाग ने पोलैंड को M-142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी थी। HIMARS और संबंधित उपकरण पोलैंड को लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बेचे जाएंगे। HIMARS एक प्रकार की आर्टिलरी प्रणाली है जो लंबी दूरी के रॉकेटों को सटीकता के साथ फायर कर सकती है। इसका उपयोग यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में किया गया था। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का उद्घाटन संस्करण किस जहाज पर आयोजित किया गया? ए INS कत्ताबोमन, बी INS शिवाजी, सी INS विक्रांत या डी INS विराट। हमारा उत्तर है सी INS विक्रांत। INS विक्रांत एक विमानवाहक पोत है जिसका उपयोग
वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। यह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित होने वाला पहला वाहक है और इसे केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इस जहाज का नाम भारत के उद्घाटन विमान वाहक INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का उद्घाटन संस्करण INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख ऑपरेशनल स्तर का अभ्यास है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके या डी यूएसए। हमारा उत्तर है ए भारत। भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसका समापन अरब सागर में हुआ। यह अभ्यास हाल ही में अरब सागर में समाप्त हुआ। समग्र अभ्यास निर्माण में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल और उभयचर अभ्यास एमफेक्स शामिल थे। इन अभ्यासों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई थी। कॉमन मॉर्मन, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ए सांप, बी तितली, सी मकड़ी या डी कछुआ। हमारा उत्तर है बी तितली। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि तितलियां पंखों के रंग पैटर्न और यहां तक कि उड़ान व्यवहार जैसे लक्षणों का उपयोग करके अपने शिकारियों को चेतावनी देती हैं, मूर्ख बनाती हैं और उनसे बच निकलती हैं। अध्ययन ने 5 वर्षों में पश्चिमी घाट के तितली नकल समुदायों की जांच की। मादा कॉमन मॉर्मन जहरीले कॉमन रोज की नकल करती है। नकल में एक स्वादिष्ट जीव शिकारियों को धोखा देने के लिए एक अस्वादिष्ट जीव जैसा दिखता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? ए पेरिस समझौता, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी शिकागो समझौता या डी क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा उत्तर है बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता सफल हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आमतौर पर स्प्रे कैन, फ्रिज, होम इंसुलेशन, फोम इंसुलेशन और एयर कंडीशनर में पाए जाते हैं, को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था। हाल ही में किस राज्य में सैकड़ों कमजोर ओलिव रिडले कछुए समुद्र तट पर बहकर आ गए थे? ए ओडिशा, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। हमारा उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। सैकड़ों कमजोर ओलिव रिडले कछुए लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया आंध्र प्रदेश में समुद्र तट पर बहकर आ गए थे। पूर्वी तट पर चल रहे वार्षिक प्रजनन मौसम के दौरान गोदावरी क्षेत्र के प्रजनन स्थलों में कछुओं की बड़े पैमाने पर मृत्यु देखी जा रही है। स्थानीय लोग इसके लिए तेल अन्वेषण सुविधाओं और जल तालाबों से निकलने वाले अपशिष्टों को जिम्मेदार मानते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई कचरा संशोधन नियम 2023 जारी किया? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। हमारा उत्तर है बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट संशोधन नियम 2023 जारी किया। यह सौर ऊर्जा में कैडमियम और सीसा जोड़कर ई अपशिष्ट नियम 2022 में संशोधन करना चाहता है। पैनल, सौर फोटोवोल्टिक पैनल आदि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न वर्षावनों की कटाई और किस देश में तापमान परिवर्तन के बीच सीधा संबंध पाया गया है? ए भारत, बी जापान, सी तिब्बत या डी इंडोनेशिया। हमारा उत्तर है सी तिब्बत। एक नई रिपोर्ट टेली कनेक्शन अमंग टिपिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ सिस्टम रिपोर्ट में अमेज़न वर्षावन के वनों की कटाई और तिब्बत में तापमान परिवर्तन के बीच सीधा संबंध पाया गया है। तिब्बत वर्षावन से 15,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इससे जलवायु परिवर्तनकारी तत्वों के बीच मजबूत संबंध का पता चला। टिपिंग पॉइंट वह सीमा है जिसके
परे किसी विशिष्ट क्षेत्र में बड़े अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री भाई फुले किस राज्य से थीं? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। हमारा उत्तर है बी महाराष्ट्र। फे वेल्डन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के प्रसिद्ध लेखक थे? ए यूएसए, बी यूके, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा उत्तर है बी यूके। ग्लोबल ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा चुना गया? ए अवतार पानी का रास्ता, बी एल्विस, सी द फैबलमैन्स या डी टॉप गन मैवरिक। हमारा उत्तर है सी द फैबलमैन्स। ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2023 के 80वें वार्षिक समारोह में द फैबलमैन्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता। टीवी सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार केविन कॉस्टनर ने येलोस्टोन के लिए जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मार्टिन मैकडोनॉग ने द बंशीज ऑफ इनिशोरिन के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म का पुरस्कार अर्जेंटीना 1985 को दिया गया। किस भारतीय बाल कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता? ए भाविन रबारी, बी सनी पवार, सी राज भानुशाली या डी नागा विशाल। हमारा उत्तर है ए भाविन रबारी। गुजराती फिल्म छैलो शो के मुख्य बाल कलाकार भाविन रबारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 27वें सैटेलाइट अवार्ड्स में बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस श्रेणी में इंटरनेशनल प्रेस अकादमी का पुरस्कार जीता। यह पिक्चर 21 साल बाद ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान करता है? ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। हमारा उत्तर है ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 विजेताओं को सम्मानित किया। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का समापन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 विजेताओं के सम्मान के साथ हुआ। इस आयोजन में 41 स्टार्टअप, 2 इनक्यूबेटर और 1 एक्सेलरेटर की विजेता के रूप में मान्यता दी गई। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 6 जनवरी या डी 8 जनवरी। हमारा उत्तर है बी 4 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? ए सतत विज्ञान, बी आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान, सी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान या डी व्यवहार विज्ञान। हमारा उत्तर है सी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। केंद्रीय राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जारी की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 से रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सर सी वी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। 11 जनवरी को कौन सा देश राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाता है? ए भारत, बी यूएसए, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा उत्तर है बी यूएसए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्यत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 18 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 27 जनवरी। हमारा उत्तर है बी 21 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 27 जनवरी या डी 30 जनवरी। हमारा उत्तर है बी 26 जनवरी।
भारत का केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 मनाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा दी गई इस वर्ष की थीम थी अगली पीढ़ी का पोषण, ज्ञान साझाकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना और सीमा शुल्क में व्यावसायिक गौरव। ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य आकाशगंगा की खोज हाल ही में किस देश में की गई थी? ए तुर्की, बी इटली, सी चीन या डी इजराइल। हमारा उत्तर है बी इटली। ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य आकाशगंगा की खोज हाल ही में इटली के शोधकर्ताओं ने की थी। इसे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का उपयोग करके पाया गया और इसकी विशेषता बताई गई। ब्लैक गैलेक्सी कॉम्पैक्ट है, इसमें बड़ी मात्रा में इंटरस्टेलर धूल है। यह आकाशगंगा से 1000 गुना तेज गति से तारे बना रहा है। 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई? ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। हमारा उत्तर है बी बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। इसके चारों ओर एक दर्जन नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। ग्रह ने अपना कुल 92 चंद्रमाओं की सूची के साथ शनि को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्टिप्लेन X3 ड्रोन का उपयोग किस राज्य में दवाओं के परिवहन के लिए किया गया था? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी ओडिशा या डी पश्चिम बंगाल। हमारा उत्तर है बी उत्तराखंड। वर्टिप्लेन X3 ड्रोन का उपयोग उत्तराखंड में एक प्रदर्शन के लिए किया गया था, जहां इसमें एम्स ऋषिकेश से 2 किलोग्राम तपेदिक रोधी दवाओं को टिहरी गढ़वाल से एक जिला अस्पताल तक पहुंचाया। कोपायलट किस कंपनी द्वारा विकसित AI संचालित डिजिटल सहायक है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी अमेजॉन या डी वॉलमार्ट। हमारा उत्तर है ए माइक्रोसॉफ्ट। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी पुणे या डी मैसूरू। हमारा उत्तर है बी जयपुर। ओडिशा के शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। 4 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और 5 यूनेस्को रचनात्मक शहरों ने इस आयोजन के लिए जाजपुर जिला प्रशासन के साथ भागीदारी की, जिसमें 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किस शहर ने कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की? ए चंडीगढ़, बी नई दिल्ली, सी कोटा या डी मैसूरू। हमारा उत्तर है सी कोटा। दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या डी गांधीनगर। हमारा उत्तर है सी बेंगलुरु। ASCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान कौन सा देश है? ए जापान, बी भारत, सी चीन या डी श्रीलंका। हमारा उत्तर है बी भारत। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कैरिकॉम सचिवालय किस देश में स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी गुयाना, सी चिली या डी मिस्र। हमारा उत्तर है बी गुयाना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैरिकॉम सचिवालय में अपने जमैका समकक्ष के साथ 4th भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। 1939 में एजिनकन भूकंप किस देश में आया था? ए USA, बी तुर्की, सी जापान या डी फिलीपींस। हमारा उत्तर है बी तुर्की। हर वर्ष वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 14 फरवरी या डी 17 फरवरी।
हमारा उत्तर है डी 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस GTRD प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था और इस वर्ष इसका उद्घाटन संस्करण है। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए स्विट्जरलैंड, बी फिजी, सी इजराइल या डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा उत्तर है बी फिजी। भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन और रहने में सक्षम होंगे। किस देश ने नया नागरिकता कानून पारित किया जो निर्वासन और नागरिकता छीनने की अनुमति देता है? ए इटली, बी चीन, सी इजराइल या डी अफगानिस्तान। हमारा उत्तर है सी इजराइल। इजराइल ने एक नया नागरिकता कानून पारित किया जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण या किसी संबद्ध संगठन से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने और उनकी नागरिकता छीनने की अनुमति देता है। यह कानून इसराइल के 1952 के नागरिकता कानून में संशोधन करता है। नया कानून इजरायली नागरिकों और स्थायी निवासियों पर लागू होता है जो आतंक, आतंकों को समर्थन देने, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, युद्ध भड़काने और युद्ध के समय प्रतिद्वंदी की सहायता करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 15 किस देश ने लॉन्च की? ए इसराइल, बी फ्रांस, सी उत्तर कोरिया या डी यूएसए। हमारा उत्तर है सी उत्तर कोरिया। हुआसोंग 15 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को हाल ही में उत्तर कोरिया के प्योगयांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है। किस देश ने अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की है और नौकरी में कटौती पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए यूके, बी तुर्की, सी यूक्रेन या डी चीन। हमारा उत्तर है बी तुर्की। तुर्की ने एक अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की है और भूकंप से प्रभावित दक्षिणी प्रांतों में नौकरी में कटौती पर प्रतिबंध लगा दिया है। विनाशकारी भूकंपों ने देश के साथ साथ पड़ोसी सीरिया में भी 42,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। सरकार आपातकाल की स्थिति के तहत प्रांतों में नियोक्ताओं के लिए वेतन सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने कुछ वैध कारणों को छोड़कर भूकंप क्षेत्र में छटनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। IMF कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी चीन या डी पाकिस्तान। हमारा उत्तर है ए श्रीलंका। श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इससे द्वीप राष्ट्र को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है। कार्य का भविष्य उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल किस शिखर सम्मेलन के विषयों में से एक है? ए Y20, बी आसियान, सी सार्क या फिर डी G7। हमारा उत्तर है ए Y20। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 समिट इंडिया के कर्टन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। Y20 इंडिया की थीम काम का भविष्य उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, शांति निर्माण और मेल मिलाप, बिना युद्ध साझा भविष्य के युग की शुरुआत, लोकतंत्र और शासन में युवा और स्वास्थ्य कल्याण और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? ए लिएंडर पेस, बी महेश भूपति, सी रोहन बोपन्ना या डी युकी भांबरी। हमारा उत्तर है ए लिएंडर पेस।
ग्रैंडस्लैम विजेता लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में उभरे। 50 वर्षीय लिएंडर पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक थे। हाल ही में PFRDA ने NPS के तहत सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करने के लिए 11वें फंड मैनेजर के रूप में किस संस्थान को चुना है? ए बंधन पेंशन फंड मैनेजर्स, बी DSP पेंशन एंड फंड मैनेजर्स, सी आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड या डी एक्सिस पेंशन फंड। हमारा उत्तर है बी DSP पेंशन फंड मैनेजर। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करने की अनुमति वाले 11वें फंड मैनेजर के रूप में DSP पेंशन फंड मैनेजर्स का चयन किया है। PFRDA देश भर के नागरिकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उपयोग करता है। खबरों में नजर आए फ्रैंक रूबियो किस पेशे से जुड़े हैं? ए खिलाड़ी व्यक्ति, बी व्यवसायी व्यक्ति, सी अंतरिक्ष यात्री या डी वैज्ञानिक। हमारा उत्तर है सी अंतरिक्ष यात्री। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने हाल ही में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का नया अमेरिकी रिकॉर्ड बनाया है। एक वर्ष से अधिक समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद वह 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किस राज्य ने अपने सभी 95,767 गांवों में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया? ए गुजरात, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या डी उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें 95,767 गांवों ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ खुद को ODF पॉजिटिव घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने टग नौकाओं और बचाव पोत सहित कई अंतर्देशीय जल जहाजों का शुभारंभ किया? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार या डी उत्तराखंड। हमारा उत्तर है बी असम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े के विस्तार का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 10 स्टील कैटामरन वेसल्स, 3 टगबोट और 1 खोज और बचाओ नाव को हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य असम की व्यापक नदी प्रणालियों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग करना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ए ईमानदारी और नैतिकता, बी भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, सी सतर्क रहें, ईमानदार रहें या डी सूचना शक्ति है। हमारा उत्तर है बी भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 केंद्रीय सतर्कता आयोग और देश भर के सभी संस्थानों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। भारतीय स्टेट बैंक ने किस भारतीय व्यक्तित्व को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए अमिताभ बच्चन, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी मैरी कॉम या डी PV सिंधु। हमारा उत्तर है बी महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? ए मेरा युवा भारत मंच, बी PM युवा मंच, सी मेरी माटी मंच या डी कर्तव्य मंच। हमारा उत्तर है ए मेरा युवा भारत, माय भारत मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी और देश के युवाओं के लिए डिजाइन किया गया मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी कर्नाटक।
हमारा उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। 2024 में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन से देश हैं? ए, दक्षिण कोरिया और फ्रांस। बी, जापान और दक्षिण कोरिया। सी, भारत और श्रीलंका। या डी, फ्रांस और जर्मनी। हमारा उत्तर है ए, दक्षिण कोरिया और फ्रांस। अगले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 के मध्य में दक्षिण कोरिया द्वारा किए जाने की उम्मीद है, उसके बाद 2024 के अंत में फ्रांस द्वारा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले UK ने मध्य इंग्लैंड के बैलचले पार्क में शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर इस खबर की घोषणा की। पार्थेनॉन मूर्तियां किस देश की प्राचीन पत्थर की मूर्तियां हैं? ए, जापान। बी, ग्रीस। सी, तुर्की। या डी, भारत। हमारा उत्तर है बी, ग्रीस। ब्रिटिश संग्रहालय में रखी पार्थेनॉन मूर्तियों की स्थिति को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने ग्रीक समकक्ष कैरिकोस मिट्सोटाकिस के साथ बैठक रद्द करने के बाद ग्रीस और UK के बीच एक राजनयिक विवाद छिड़ गया। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीस ने बार बार मूर्तियों को एथेंस में स्थायी रूप से वापस करने के लिए कहा है, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पार्थेनॉन मूर्तियां ग्रीस की 30 से अधिक प्राचीन पत्थर की मूर्तियां हैं, जो 2000 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। उनमें से अधिकांश एथेंस में चट्टानी एक्रोपोलिस पहाड़ी पर पार्थेनॉन मंदिर की दीवारों और मैदानों को सुशोभित करती हैं। 432 ईसा पूर्व में हुआ यह मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। ललितांबिका, जिन्हें शीर्ष फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त हुआ, निम्नलिखित की पूर्व निदेशक हैं। ए, DRDO। बी, ISRO। सी, BARC। या डी, CVC। हमारा उत्तर है ए, DRDO। भारत में फ्रांसीसी राजदूत ने ISRO के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय के पूर्व निदेशक ललितांबिका को लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया था। ललितांबिका ने ISRO के विभिन्न रॉकेटों, विशेषकर PSLV पर बड़े पैमाने पर काम किया है। ISRO के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के बाद ललितांबिका दूसरी ISRO वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। असाधारण रासायनिक हथियार न्यायाधिकरण हाल ही में निम्न में से किस देश के लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए, वियतनाम। बी, फिलिस्तीन। सी, सीरिया। या डी, मिस्र। हमारा उत्तर है सी, सीरिया। भारतीय कार्यकर्ता सफीना हुसैन को हाल ही में किस काम के लिए प्रतिष्ठित $5,00,000 वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, लड़कियों की शिक्षा। बी, पर्यावरण। सी, गरीबी। या डी, महिला सशक्तिकरण। हमारा उत्तर है ए, लड़कियों की शिक्षा। भारतीय कार्यकर्ता सफीना हुसैन को ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित $5,00,000 वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके NGO एजुकेट गर्ल्स ने 1.4 मिलियन से अधिक लड़कियों को दूर दराज के गांवों के स्कूल में फिर से दाखिला लेने में मदद की है, जिससे जमीनी स्तर के शिक्षा सुधार को वैश्विक मान्यता मिली है। डी विंटन का सुनहरा तिल, जिसे 1936 से विलुप्त माना जाता है, हाल ही में किस देश में फिर से खोजा गया है? ए, दक्षिण अफ्रीका। बी, तुर्की। सी, संयुक्त अरब अमीरात। या डी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा उत्तर है ए, दक्षिण अफ्रीका।
डीविंटन गोल्डन मोल नामक एक दुर्लभ गोल्डन मोल प्रजाति जिसे 1936 से विलुप्त माना जाता है को दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के रेत के टीलों में 2 साल के व्यापक सर्वेक्षण के बाद फिर से खोजा गया है। इसकी पुनः खोज से अधिक विलुप्त प्राय प्रजातियों के जीवित रहने की आशा जगी है क्योंकि जैव विविधता सर्वेक्षण में सुधार हुआ है। संरक्षण के लिए ऐसे दुर्लभ स्थानिक प्रजातियों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 14 जनवरी या डी 21 जनवरी। हमारा उत्तर है बी 9 जनवरी। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद में मनाया जाता है। चीन के अत्याधुनिक समुद्र ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की पपड़ी में घुसने और मैंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? ए मैगजियांग, बी तियानकी, सी शुजिंग या डी युएलियांग। हमारा उत्तर है ए मैगजियांग। चीन ने मैगजियांग नामक एक क्रांतिकारी नया महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मैंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ए शुभ्रा सिंह, बी नीना सिंह, सी विनीता ठाकुर या डी रोली सिंह। हमारा उत्तर है बी नीना सिंह। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में VSAT नामक अपने नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए खबरों में था किस शहर में स्थित है? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी तिरुवनंतपुरम या डी मैंगलोर। हमारा उत्तर है सी तिरुवनंतपुरम। 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा VSAT नामक एक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया था। उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन विशेष रूप से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XPOSAT मिशन पर द्वितीयक पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया था। मिशन की सफलता की घोषणा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई थी। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? ए 12 घंटे, बी 45 मिनट, सी 1 घंटा या डी 3 घंटे। हमारा उत्तर है बी 45 मिनट। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री प्रत्येक कक्षा में 45 मिनट के दिन के प्रकाश और उसके बाद 45 मिनट के अंधेरे का अनुभव करते हैं। यह पृथ्वी पर सामान्य 12 घंटे के दिन रात के चक्र से काफी अलग है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल ने लगातार 16 नए साल की उल्टी गिनती देखी। If you like the video, don't forget to give us a thumbs up and tell us how you feel about our video in the comment section. For more updates of India and the world, stay connected with Adhyayan IAS.